हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक, रूसी हैकर्स के ग्रुप फिनिक्स पर आरोप, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जांच कर रही। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट गुरुवार को हैक हो गई। बताया जाता है कि रूसी हैकर्स ने ये वेबसाइट हैक की। इसके बाद मिनिस्ट्री ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने मामले की जांच करने को कहा। क्लाउड एक्स के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि रूसी हैकरों के ग्रुप फिनिक्स ने हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट को निशाना बनाया है। इसके जरिए हैकर्स देश के सभी अस्पतालों के कर्मचारियों और मुख्य चिकित्सकों के डेटा तक पहुंच गए हैं। मंत्रालय के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सीईआरटी इनसे इस बारे में जानकारी मांग की गई है कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सीईआरटी इनसे इस बारे में जानकारी की मांग की गई है। वो इसकी जांच कर रहे हैं, जल्द इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। सीईआरटी इन भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है जो भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा को मजबूत करती है। क्लाउड एसईके की रिपोर्ट के अनुसार हैकरों ने ग्रुप बताया कि उसने ये साइबर हमला ऑल पाइप्स कैप पर भारत के एग्रीमेंट और रूस यूक्रेन युद्ध पर G20 के प्रतिबंधों के कारण किया है। क्लाउड एसईके ने कहा कि इस वेबसाइट को टारगेट करने के पीछे मकसद रशियन फेडरेशन के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध थे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।